आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्स SL कैप्सूल्स के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में समझाऊँगा जिसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन पाया जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स भी देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्स SL एक ब्रांड का नाम होता है, इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। और देखिए, इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन कंपोजिशन का ही एक्शन होता है। कंपनी अलग अलग हो सकती है या फिर ब्रांड अलग अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्ट का ही एक्शन जो है देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके अंदर डॉक्स SL कैप्सूल्स के अंदर पाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टोबैसिलस। देखिए, सबसे पहले इसके उपयोग हम जान लेते हैं। जब भी डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है अपनी समस्या लेकर, तो डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का और पेशेंट हमेशा अपनी समस्या बताता है। वो ऐसे नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, आप मुझे ये दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, डॉक्टर जैसे बताएगा। इस केस में डॉक्स SL जो दवाई है, ये दवाई एक एंटीबायोटिक दवाई होती है जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को हमारे शरीर में से ख़त्म करती है। अब देखिए क्या होता है, कई बार पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन के ऊपर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर चेकअप करता है और इस दवाई का उपयोग जो है पेशेंट को बताता है। और देखिए, इसके अंदर देखिए डॉक्सीसाइक्लिन पाया जाता है। ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसके अंदर लैक्टिक एसिड बैसिलस भी पाया जाता है, जिसे लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। देखिए, ये एक तरीके का इंसान के लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जो कि इस दवाई के डॉक्सीसाइक्लिन की वजह से हो रहे डायरिया लूज मोशन को कम करता है, तो इसलिए इसके अंदर लैक्टिक है। तो देखिए, ये जो एंटीबायोटिक होती है डॉक्सीसाइक्लिन, ये क्या करती है, हमारे शरीर में खून में, ब्रेन में, लंग्स में, इवन हड्डियों के जोड़ में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, पेट के इन्फेक्शन में, तरह तरह के इन्फेक्शन में ये जो है, ये दवाई जो है काम आती है। इसके अलावा देखिए, इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इस दवाई का उपयोग जो है किया जाता है। एंटीबायोटिक का काफी वाइड यूज होता है, मतलब काफी तरह तरह के बैक्टीरिया में ये जो दवाई है काम आती है। लेकिन हमेशा क्या होता है, डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है काफी पुरानी एंटीबायोटिक है और अभी भी यूज में होती है। देखिए, एक चीज का ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है, कई बार क्या होता है, पेशेंट खुद पूछ लेता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करेगी, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है ये दवाई क्या करती है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, उस राइबोसोम को ये अटैक करती है, उस पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो रुक जाता है और बैक्टीरिया जो है कमजोर पड़ जाता है और उससे उसकी जो है मृत्यु हो जाती है हमारे शरीर में। तो इससे क्या होता है, धीरे 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 जो शरीर में इन्फेक्शन है, चाहे वो मैंने जैसे पहले बताया कि चाहे वो खून में हो, लंग्स में हो, इवन जो पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी ये दवाई जो है काम आती है। तो ओवरऑल जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है हमारे शरीर में रुक जाती है इस एंटीबायोटिक को लेने के बाद। अब देखिए क्या होता है, इस दवाई को लेने के बाद में कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट खुद पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, और कई बार डॉक्टर जो है पेशेंट को समझा देता है कि इस दवाई को लेने के बाद में कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे मन खराब हो जाता है, जीव खराब हो जाता है, उल्टी का मन करता है, फोटो सेंसिटिविटी कई बार इससे देखने को मिलती है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर जो है कम हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किसी किसी पेशेंट में जो ये है साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। देखिए, एक चीज का और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ में अल्कोहल का यूज ना करें, क्योंकि काफी खतरनाक हो सकता है इस दवाई को अगर आप यूज में ले रहे हैं और साथ में आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं तो। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इस दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गंभीर साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। और छोटे बच्चों में भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है परमानेंट साइड इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं इस दवाई के उपयोग से। देखिए, एक चीज का ध्यान में रखें कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है, जैसे ये दवाई का नाम जो है डॉक्स्ड SL है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी इसे बनाती है। मार्केट में क्या है कि और दूसरे नाम से भी ये दवाई आती है, जैसे डॉक्सलिन DT नाम से ये दवाई यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसे दूसरी कंपनी जो है बनाती है। मार्केट में अलग अलग कंपनी आती है और अलग अलग ब्रांड नेम से जो है ये मार्केट में मिलती है, लेकिन जो मेन एक्शन जो है वो हमेशा हमेशा इसके अंदर जो पाया जाता है उससे देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये था डॉक्स्ड SL दवाई के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।